अगर आप डेली स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे स्टडी मटेरियल्स डेली पाना चाहते हैं, या आप स्टडी से जुड़ी हुई कोई भी वीडियोस पाना चाहते हैं, आप मतलब साइंस से रिलेटेड टॉपिक पाना चाहते हैं, आप जीके इंग्लिश हिंदी सभी टॉपिक पाना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका हमारा अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। तो जैसा आप जानते हैं कि डीएसएसबी में काफी एग्जाम हुए हैं और काफी एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, काफी की ज्वाइनिंग होने वाली है, डेट आ चुकी है। तो अब क्वेश्चन काफी ये आ रहे हैं, अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है डीएसएसबी से। साथियों, अभी जैसा आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चले हुए हैं एमसीडी पीआरटी 16/17 और उसमें 77 कैंडिडेट्स को अलग रखा गया है। उन कैंडिडेट्स को अलग रखा गया है क्योंकि उनमें क्या है कि गवर्नमेंट को शक है, मतलब बोर्ड को शक है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं वो कुछ फ्रॉड हैं। हालांकि काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो शायद फ्रॉड भी नहीं है, लेकिन जो उनके शक के आधार पर उनको अलग रखा गया है और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो असफल है उन डॉक्यूमेंट्स को देने में। तो गवर्नमेंट का आपको रूल पता होगा, क्या रूल है, उस रूल के आधार पर ओबीसी मान्य होता है, आपको पता होगा 1993 का एक रूल है वो आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं जो 77 कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले उन 77 कैंडिडेट्स पे अभी कोई मतलब निर्णय नहीं लिया गया है। अगर आपको कोई मतलब अपडेट मिली है इस रिगार्डिंग तो वो अभी सही नहीं है। 77 कैंडिडेट्स पर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, वो अभी पेंडिंग में है। और हालांकि मुझे काफी दुख हुआ है देख के, जो मतलब सही नहीं है, जो कैंडिडेट्स मतलब जिनके डॉक्यूमेंट फ्रॉड है उनको हटा के औरों को तो जॉब दी जाए, तो ये काफी मतलब गलत भी है। जो कैंडिडेट्स जेन्युइन है उनके साथ, लेकिन इसमें क्या है कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो फ्रॉड है, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है और इसी वजह से शायद उनको जॉब मिलना मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों के चले हुए, अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, ओबीसी फ्रॉड बनवा के लेके जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। आपको आपकी जॉब जा सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, आपके आपके ऊपर मतलब कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, तो ये सारे वहां पे प्रावधान है। तो आप प्लीज वहां पे ऐसा ना करें, आप मतलब अपनी जान उनको जोखिम में ना डालें, आपका फ्यूचर खराब हो सकता है, आप दोबारा कभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप जेन्युइन हैं तभी आप वहां पे जाएं, ये नहीं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें फ्रॉड है और फिर आप वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें गलत है। तो फ्रेंड्स, ये अभी अपडेट है आप लोगों के लिए और जो 77 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूं, जो भी जेन्युइन है उनका जल्द से जल्द काम हो, क्योंकि जेन्युइन कैंडिडेट्स जरूर इसमें कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। और देखो, जो गलत है, गलत को मैं चाहता हूं बिल्कुल, जो गलत कैंडिडेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके गलत है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूं। लेकिन काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल सही है लेकिन वो उनकी वजह से उसमें फंसे हुए हैं। तो साथियों, ये अभी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।